नमस्कार दोस्तों, मुगर मेडिसिन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 21 ऐसी मेडिसिन के बारे में जो हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आप सभी के लिए, क्योंकि इनमें से कौन सी भी मेडिसिन की आपको कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्बोफ्लम टैबलेट के बारे में। इसके कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें आपको आयोब्रोपेन और पैरासीटामोल देखने को मिलेगा। ये एक पेन किलर मेडिसिन है। इसका इस्तेमाल सिर दर्द, बुखार और हाथ पैर दर्द में भी किया जाता है। ये टैबलेट बहुत ही पॉपुलर है। ये आपको टैबलेट और सिरप फॉर्म में भी मिल जाएगी। इसके बाद है दोस्तों बिकासुल कैप्सूल। इसके कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें आपको बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी और फोलिक एसिड देखने को मिलेगा। इसका इस्तेमाल मुंह में होने वाले छालों के लिए और विटामिन बी की कमी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है दोस्तों एविल 25 मिलीग्राम टैबलेट। इसके कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें आपको फिनिरामाइन 25 मिलीग्राम देखने को मिलेगा और इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा एलर्जी में किया जाता है, जैसे कि सर्दी होने पर रनिंग नोज स्नीजी और कीड़े काटने पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आपको 25 मिलीग्राम और 50 मिलीग्राम दोनों भी टैबलेट देखने को मिल जाएगा। ये भी काफ़ी पॉपुलर मेडिसिन है। इसके बाद ही दोस्तों ओकासी टैबलेट। इसमें आपको सिट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड 10 मिलीग्राम देखने को मिलेगा। इसका इस्तेमाल एलर्जी, खुजली, सर्दी जुकाम और कीड़े के काटने से होने वाली एलर्जी में भी सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये भी बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है। ये भी आपको मार्केट में कौन से भी मेडिकल शॉप पर ईजिली मिल जाएगी। इसके बाद ही दोस्तों डाइजिन टैबलेट। ये एक एंटासिड टैबलेट है। इसका इस्तेमाल चुस्के भी लिया जाता है और इसका इस्तेमाल गैस, एसिडिटी या फिर सीने में जलन जैसी कंडीशन में भी इस टैबलेट का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और ये आपको टैबलेट और सिरप फॉर्म में भी मिल जाएगी। ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड है। ये भी आपको मार्केट में कौन से भी मेडिकल शॉप पर ईजिली मिल जाएगी। इसके बाद है दोस्तों क्रोसिन टैबलेट। इसमें आपको पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम देखने को मिलेगा। ये एक एंटीपायरेटिक मेडिसिन है। इसका इस्तेमाल हेडेक, मतलब सिर दर्द में, टूथैक, दांत दर्द में और नॉर्मल पेन किलर के रूप में भी किया जाता है। ये टैबलेट भी आपको काफ़ी पॉपुलर है। ये भी आपको कौन से भी मेडिकल शॉप पर इजीली मिल जाएगी। इसके बाद है दोस्तों डोलो 650 टैबलेट। इसमें आपको पैरासीटामोल 650 मिलीग्राम देखने को मिलेगा। इसका इस्तेमाल हेडेक, सर दर्द में, बुखार और बॉडी पेन में, मतलब शरीर दर्द में भी सबसे ज़्यादा किया जाता है और ये भी बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है। इसका इस्तेमाल कोविड टाइम पर भी सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद है दोस्तों डिस्प्रिन टैबलेट। इसकी कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें आपको एसिटिल सैलिसिलिक एसिड 325 मिलीग्राम में देखने को मिलेगा और इसका इस्तेमाल हेडेक में, मतलब सर दर्द में सबसे ज़्यादा किया जाता है। इसके बाद है दोस्तों जेलोसिल टैबलेट। इसमें आपको एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देखने को मिलेगा। इसका इस्तेमाल गैस, एसिडिटी या फिर सीने में जलन के लिए भी सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये एक एंटासिड है और काफ़ी पॉपुलर मेडिसिन है। ये आपको मार्केट में कौन से भी मेडिकल शॉप पर ईजिली मिल जाएगी। इसके बाद है न्यूरोबियन 4 टैबलेट। इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें आपको सभी बी कॉम्प्लेक्स विटामिन देखने को मिलेगा और इसका इस्तेमाल नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम्स में सबसे ज़्यादा किया जाता है, मतलब नसों से संबंधित परेशानी में और विटामिन बी की कमी में इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद ही दोस्तों पेंटोफोर्टी टैबलेट। इसकी कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें आपको पेंटोपराजोल 40 मिलीग्राम देखने को मिलेगा और इसका इस्तेमाल एंटासिड में किया जाता है, जैसे कि गैस, एसिडिटी में, और यह टैबलेट डॉक्टर द्वारा भी बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाती है और यह भी बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है। ये भी आपको मार्केट में ईजिली मिल जाएगी। इसके बाद है दोस्तों जिंकोविक टैबलेट। इसमें भी आपको सभी विटामिन और जिंक देखने को मिलेगा और इसका इस्तेमाल हेल्थ सप्लीमेंट में किया जाता है, मतलब कमजोरी में ताकत बढ़ाने के लिए और मुंह के छालों के लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद ही दोस्तों अनवांटेड
72 टैबलेट। इसके कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें आपको लियोन और जेस्ट्रोल देखने को मिलेगा और इसका इस्तेमाल अनचाहे गर्भक के लिए किया जाता है। यूज विद इन 72 हॉर्स टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी, मतलब इसका इस्तेमाल अनसेफ सेक्स के 72 घंटे के अंदर ही करना होता है, जिससे कि महिला प्रेग्नेंट होने से बच सकती है। इसके बाद है दोस्तों डोकोफ्लेक्स टैबलेट। सभी इसमें आपको बिस्कोडिल 5 मिलीग्राम देखने को मिलेगा। इसका इस्तेमाल कब्ज में, मतलब पेट साफ करने के लिए सबसे ज़्यादा किया जाता है और ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड है। ये भी आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी। इसके बाद है दोस्तों इवियन कैप्सूल। इसके कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें आपको विटामिन ई 400 मिलीग्राम देखने को मिलेगा और इसका इस्तेमाल फेयरनेस के लिए, स्किन के लिए और हेयर हेल्थ, मतलब बालों के लिए भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। इस कैप्सूल को स्किन पर लगाया भी जाता है और इसे आप खा भी सकते हो। स्किन के लिए बहुत ही अच्छा फायदेमंद कैप्सूल है ये। इसके बाद ही दोस्तों एसिडोक टैबलेट। इसके कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें आपको रेनेटिरिन देखने को मिलेगा। ये आपको 150 मिलीग्राम और 300 मिलीग्राम देखने को मिलेगी। इसका इस्तेमाल गैस, एसिडिटी या फिर सीने में जलन के लिए भी किया जाता है। ये भी बहुत सारे डॉक्टरों द्वारा प्रिस्क्राइब की जाने वाली टैबलेट है। इसके बाद है दोस्तों मेप्टाल स्पास टैबलेट। इसके कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें आपको मेफेनामिक एसिड और डाइसाइक्लोमीन देखने को मिलेगा। इसका इस्तेमाल एंटी स्पास्मोटिक के रूप में किया जाता है, जैसे कि स्टमक पेन, पेट में दर्द या पेट में मरोड़ या फिर पीरियड्स के कारण होने वाले दर्द में भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। ये टैबलेट भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। ये भी आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी। इसके बाद है दोस्तों बेटाडीन ऑइंटमेंट। इसमें आपको पोविडीन आयोडीन देखने को मिलेगा। इसका इस्तेमाल चोट लगने पर किया जाता है या फिर जख्म भरने के लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है दोस्तों लिमसी टैबलेट। ये भी काफ़ी पॉपुलर मेडिसिन है। इसका इस्तेमाल विटामिन सी की कमी हो जाने पर सबसे ज़्यादा किया जाता है और ये इसे आप हेल्थ सप्लीमेंट के हिसाब से भी ले सकते हो। इसके बाद है दोस्तों हमारे आखिरी वाले मेडिसिन वोवेरन। इसके कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें आपको डाइक्लोफेनेक देखने को मिलेगा। इसका इस्तेमाल दर्द में किया जाता है, जैसे कि जॉइंट पेन, टूथैक या फिर बैक पेन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों ये थे पॉपुलर मेडिसिन जिनका इस्तेमाल आप अपने जीवन में रेगुलर देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इनमें से कौन सी भी टैबलेट का यूज़ करने से पहले कभी भी आप अपने डॉक्टर का सलाह जरूर लें, उसके बाद ही इनका सेवन करें। और दोस्तों जानकारी अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।